अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग सब। उम्मीद करते हैं कि आप लोग खैरियत से होंगे। ये वाकया है मूसा अलैहिस्सलाम और खिज़र अलैहिस्सलाम का। जब मूसा अलैहिस्सलाम और खिज़र अलैहिस्सलाम एक दूसरे से मिले तो वो लोग एक कश्ती पे सवार हो गए, और कश्ती के लोग इतने अच्छे थे कि उन लोगों ने मूसा अलैहिस्सलाम और खिज़र अलैहिस्सलाम की मदद करी, और बदले में उन लोगों से कोई पैसा भी नहीं लिया। सफ़र चलता रहा चलता रहा, और जब ये लोग अपनी मंजिल पे पहुंच गए तो खिज़र अलैहिस्सलाम ने उन कश्ती वालों की कश्ती में एक छेद कर दिया, जिसे देखकर मूसा अलैहिस्सलाम बहुत नाराज़ हुए और उन्होंने खिज़र अलैहिस्सलाम से पूछा कि ये लोग तो इतने अच्छे से हम लोग से मिले और हम लोग की मदद करी, आपने इनकी कश्ती में ये छेद क्यों किया। तब खिज़र अलैहिस्सलाम ने बोला कि आगे एक बहुत ही जालिम राजा रहता है जो लोगों से उनकी कश्तियाँ छीन लेता है, और जब ये लोग भी आगे जाते हैं तो वो राजा इनसे भी इनकी कश्ती छीन लेता और इनका रोज़गार इनसे छीन जाता। इसीलिए मैंने उस कश्ती में छेद कर दिया ताकि उस राजा को लगे कि कश्ती डिफेक्टिव है और वो इन लोग से इनकी कश्ती ना छीने। ये लोग आसानी से अपनी कश्ती को दोबारा से सही कर सकते हैं और फिर अपना रोज़गार कायम कर सकते हैं, लेकिन अगर इनकी कश्ती इनसे छीन जाती तो इनका रोज़गार इनसे छीन जाता, जो कि अच्छा नहीं होता। इसलिए मैंने इनकी कश्ती में छेद कर दिया। कभी कभी हम लोग को पता नहीं होता कि हम लोग के साथ जो गलत हो रहा है उसके पीछे भी कोई अच्छाई छुपी है। इसलिए अल्लाह पे यकीन रखें और ज़िंदगी में आने वाली परेशानियों से घबराएं नहीं। शुक्रिया दोस्तों।